you know, Karikatas as well, who has come out in large numbers at outside the Ravri Devi's residence. And there you can see the visuals of Tej Pratap Yadav now coming out of Ravri Devi's residence. And he was the one who was here since morning welcoming the RJD MLAs, Congress MLAs and the Left Party MLAs personally, and greeted them you know, while they were entering at this office. And Tej Pratap Yadav now again coming out of the residence and watching you know, what's unfolding here as many leaders are coming at Ravri Devi's residence as far as the Mahagathbandhan leaders are concerned. But the Karyakartas over here who are outside the Ravri Devi's residence are very much happy about what is unfolding here in the state of Bihar. Sir, aap log ab लगभग जेडीयू के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, मन बन चुका है, लेकिन ये वही पार्टी है जिसके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, अब सरकार बनाने के लिए आप लोग दोबारा इन्हीं के साथ आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे? अभी देख रहे होंगे कि जो अभी बीजेपी की जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, इस सरकार में पूरी तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो जो भी राजनीति करता है तो वो जनता के लिए करता है, जनता से करता है, जनता के द्वारा करता है, तो हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जनता के लिए, उसकी खुशहाली के लिए हम लोगों ने ये सरकार बनाई है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बोलना चाहते। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जेडीयू के साथ सरकार बनने से खुश हैं आप लोग? जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों की आवाज़ बनने का काम किया है, और आगे भी हम लोग जहाँ तक गरीबों की सेवा की बात आएगी उसके तहत हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इंजीनियर कमल कमलेश। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है लगातार हर मिनट, अब गवर्नर से लेने से मिलने का भी समय नीतीश कुमार ने मांगा है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग इन पार्टीज के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े? बात सरकार का नहीं है, बात किसी नेता का नहीं, बात देश का है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से लगातार नीतीश जी ही नहीं, हर पार्टी को बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, विधायकों को पैसा दिया जा रहा है, इससे बड़ा खुलेआम क्या होगा? खरीद प्रकोष हर स्तर पे महंगाई बढ़ा हुआ है। पूरे देश की जनता और खास करके बिहार की जनता के हित में एक कदम है, और मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बिहार के छात्रों के प्रतिनिधि हूँ, तो मानता हूँ कि इस सरकार में सबसे ज्यादा दोहन छात्रों का हुआ, युवाओं का हुआ। रोजगार के नाम पे सरकार आती है, रोजगार नहीं देते हैं। 2 करोड़ युवाओं के नाम पे आया था ये सरकार, कहाँ रोजगार मिल रहा है, सारा चीज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये नीतीश जी का कदम सदैव देश हित में रहता है, आज फिर नीतीश जी ने देश हित में ये कदम उठाया है, और ये पूरे बिहार के तरक्की के लिए जरूरी था। You heard just not RJD workers but also the Congress workers are outside Ravri Devi's residence, and several other karyakartas of the RJD also now clapping and in a celebratory Aishwarya Lalu Prasad's family in fact has started tweeting, and Kritsween has more details on that. Yes, Kritsween. So yes, yet another tweet coming in from one of the daughters of Lalu Prasad Yadav. Chanda Yadav has taken to Twitter, has put out this poster of Tejaswi Yadav which says Tejaswi Bhav Bihar. So yes, just minutes ago we'd also broken down details of what Rohini Acharya, another daughter of Lalu Prasad Yadav, had said, who spoke of Raj Tilak ki tayari ki jai, how Lalten is going to be back. So that's the election symbol for the RJD, and that's exactly the kind of optics that are at play here, Swati. Pretty much in celebratory mode already is what we're picking up from the RJD camp. This is also important to point out because as per sources in the JDU camp, Nitish Kumar is now deciding on a plot wherein he's going to continue as the chief minister for the next a couple of months, following which in 2023, Tejaswi will be declared the chief minister. So those are the kind of responses coming in from his family. Very interesting, because the entire Lalu Prasad Yadav family seems to be projecting Tejaswi Yadav as the head of the government, which may be formed in another 48 hours or maybe a couple of days later. Let's go across to Aditya. Aditya, it's very interesting. In fact, Nitish Kumar, you know, opted out of
this pact with RJD because of corruption cases, those charges against Tejaswi Yadav. So, ab kya corruption cases hat gaye hain, allegations hat gaye hain, clean chit has been given now? किसी को क्राउड बुला ही नहीं था राष्ट्र आदित्य कैन यू हियर मी वेल एग्जैक्टली एज फार एज द इंफॉर्मेशन ट्रांसपायरिंग एज ऑफ नाउ इज दैट ऑफ कोर्स देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द जेडीयू एंड द बीजेपी बट देन द चार्जेस दे स्टिल रिमेन द सेम वे बिकॉज if at all we consider the entire political you can say twist of tables and twist of turns. All right. I can hear you. Yes.